हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड एंड मूड किचन। फ्रेंड्स, आज मंगलवार का दिन है और गणेश जी के भी दिन चल रहे हैं, तो हनुमान जी को हम बूंदी का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो आज मैं वंदना आपके साथ शेयर कर रही हूँ बूंदी की प्रसाद की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे कुछ ही इंग्रेडिएंट से हम घर पर बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। आइए रेसिपी जानते हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम छना हुआ बारीक बेसन ले लिया है। फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर किस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, तो उसके लिए वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो मैंने इसमें पानी मिला करके अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना आ रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक ये बैटर तैयार हो गया है। तो बैटर हमें ना ज़्यादा पतला बनाना है, ना ही ज़्यादा थिक बनाना है। तो देखिए इस कंसिस्टेंसी का बनाना है, तो मैं आपको स्पून से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, हम इस पर लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो ये लाइन आपस में मिलेगी नहीं और एक मोटी लेयर बन रही है। तो हमें इसी कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है फ्रेंड्स। तो इसको मैं अच्छे से और मिक्स कर लूँगी। ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी लम्स ना हो। तो बूंदी में कलर लाने के लिए मैं यहाँ पर रेड कलर डाल रही हूँ, रेड फूड कलर है ये, 2 इंची डाला है मैंने। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है हमारे बैटर का। ये देखिए, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आइए गैस के पास चलते हैं। तो पहले हम यहाँ पर चाशनी तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आधा कटोरी पानी लिया है और उसमें आधी ही कटोरी चीनी डाल रहे हूँ। तो आप मीठा है ना, अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे बूंदी अच्छी मीठी ही अच्छी लगती है। और इसमें मैंने 2 इलायची के दाने क्रिस किए हुए डाल दिए हैं। तो चाशनी को बनने देते हैं। तो यहाँ हमने कढ़ाई ले ली है और ये ग्रेटर ले लिया है छोटा वाला। तो कढ़ाई मैंने रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा घी डाला है, दोनों मिक्स किए। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या खाली घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ग्रेटर मैंने जो बारीक वाला लिया है ना, तो उसको उल्टा करके मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, और स्पून की सहायता से इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए, एक ही साइड करना है फ्रेंड्स, और धीरे धीरे करना है, जिससे कि बूंदी है ना हमारी गिरती रहे। तो फ्रेंड्स, हमें है ना इस तरीके का कोई भी बर्तन लेना है, जिसमें बारीक छेद हों और थोड़ी डिस्टेंस पर छेद हों। एक साथ लगातार छेद नहीं होने चाहिए। तो इसमें थोड़ा थोड़ा गैप है, ऐसा ही आप कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, जिससे बूंदी आसानी से निकल सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और बूंदी गर्म होते ही हमारी ऊपर तैर रही है। मैंने यहाँ मीडियम गर्म ऑयल किया था और तभी उसमें बूंदी डालना स्टार्ट किया था। तो बूंदी जैसे ही सिक जाती है, वो ऊपर आ जाती है तैर करके। ये देखिए, तो गर्म ही ऑयल होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा ऑयल में बिल्कुल मत डालिएगा बूंदी। मीडियम गर्म होना चाहिए ऑयल। और ये देखिए, सारी बूंदी ऊपर आ गई है तैर करके। अब इसको चला करके बूंदी को सिकने देते हैं, जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता है। फ्रेंड्स, अब ये सिक गई है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो इसको अब हम निकाल लेंगे ऑयल में से। फ्रेंड्स, आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी को जानने के लिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिसमें मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप मुझे है ना फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दूसरी बार बूंदी डाली है कढ़ाई में, और ये लीजिए हमारी चाशनी भी बन गई है। ये देखिए, तो मैंने गैस ऑफ कर दी थी, तो ठंडी भी हो गई है ये बन करके। तो चाशनी हमारी इस कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए, बस हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए, यानी कि एक सिरप टाइप में होना चाहिए। तो अब हम इसमें ना गुनगुनी चाशनी में हम बूंदी को डाल देंगे। तो मैंने हल्का ही गुनगुना चाशनी की थी और उसमें बूंदी को डाल दिया है। तो बूंदी को थोड़ी देर के लिए सुई में डलाए रहने देंगे और ऊपर नीचे मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए, जिससे कि ना सारी बूंदी में चाशनी अच्छे से भर जाए। और ये लीजिए फ्रेंड्स, देखिए हमारी बूंदी में चाशनी अच्छे से भर गई है। बूंदी ने पूरी चाशनी एब्जॉर्ब कर ली है, बिल्कुल भी चाशनी नहीं बची है। ये देखिए, आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, रस भरी है। ये देखिए, जैसे एकदम बाजार में मिलती है प्रसाद की। तो यहाँ मैं डोने में सर्व कर रही हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि हमें प्रसाद में मिलती है
तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर